पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था पानी के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे वुड या एनर्जी के बारे में। वुड इसलिए कि वुड लकड़ी, हिंदी में कहावत है लकड़ी जल कोयला भाई, कोयला भाई राख। तो लकड़ी से कोयला आता है, हम लकड़ी भी जलाते हैं, कोयला भी जलाते हैं, और कोयले से हम बिजली भी बनाते हैं, फैक्ट्रियों में बनाते हैं, बाहर से भी बिजली आती है, और ये दोनों को हम लोग फैक्ट्री में कपड़ा यूज़ करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, स्पिनिंग में, वीविंग में, प्रिंटिंग में, डाइंग में यूज़ करते हैं। और इसकी जो खपत है करीब 25% प्रोसेसिंग कॉस्ट पे आती है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पिनिंग में, वीविंग में, सब जगह मिला के तो काफ़ी हाई हो जाती है। तो इसको बचाने के क्या क्या तरीके हैं सर? जो मैंने आज तक इस्तेमाल किए थे और मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ और मेरा पेबैक 1 साल के अंदर रहा, तो सबसे पहले तो बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है, जहाँ पे हमको टेम्परेचर कंट्रोल की आवश्यकता होती है, उस बिल्डिंग को अगर हम लोग ग्रीन बिल्डिंग के प्रिंसिपल पे बनाएंगे, ग्रीन बिल्डिंग का मतलब है उसमें हीट और बिजली की ज़रूरत कम से कम पड़े उसको ठंडा करने को, और उसको इंसुलेट करने के लिए ऊपर छाया नहीं आए, धूप नहीं आए, ये सब चीज़ों को ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग आजकल इंडिया में बड़ा पॉपुलर होते जा रहा है, ताकि बिल्डिंग्स में पानी, बिजली सबसे कम से कम इस्तेमाल हो। पुरानी बिल्डिंग को भी हम ग्रीन बिल्डिंग बना सकते हैं, जैसे अभी सोलर पैनल्स आ गए, हम लोग सोलर पैनल्स को अगर बिल्डिंग के ऊपर लगाएंगे तो बिल्डिंग का जो तापमान भी कम हो जाएगा, और इसके ऊपर से हमको हीट और पावर दोनों मिल सकते हैं। तो बिल्डिंग्स हो गई पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया बिल्डिंग्स का एग्जॉस्ट। बिल्डिंग में कई बार हॉट एयर बाहर नहीं जाती है, उससे भी अंदर हीट जनरेट होती रहती है, तो बिल्डिंग का एग्जॉस्ट आउटलेट बराबर होने चाहिए, वो भी किए जा सकते हैं। तीसरा है बिल्डिंग का लेआउट और फैक्ट्री का लेआउट। कई बार ऐतिहासिक कारणों के कारण फैक्ट्रियाँ जिस तरह से एक्सपांड होती है उसके कारण ही उनका फैक्ट्री का जो कंजम्पशन है, कहीं बॉयलर होता है, कहीं फैक्ट्री होती है, तो उसका ट्रांसमिशन लॉस बढ़ जाता है। तो बिल्डिंग का लेआउट, पाइपलाइनें जिगजैग होती है, उनको ठीक करने से भी काफ़ी ये सब स्टीम, पावर, बिजली कम बचती है। ये तीन पहले बेसिक पॉइंट है। चौथा आता है इक्विपमेंट्स की साइज। इक्विपमेंट कई बार प्रॉपरली इंसुलेटेड नहीं होते हैं, उनकी जैसे इक्विपमेंट में मोटरें आ गई, मशीनें आ गई, तो इनको मोटरों की एफिशिएंसी बराबर नहीं होती है, पंप्स की एफिशिएंसी बराबर नहीं होती है, तो इनको सबको चेक करने के लिए इजीली हम लोग इक्विपमेंट सप्लायर को बुला सकते हैं और इनका ऑडिट करा सकते हैं। तो वो उनको अपनी मशीन, मोटर, पंप, स्टीम पाइपलाइन, बेयरिंग्स, बेल्ट, ये सब बेचना होता है, वो आपका फ्री में ऑडिट करके देते हैं। मशीनरी वाले को मशीन, पुरानी मशीन को नया करने का बिजनेस करना होता है, इंसुलेशन वाले को इंसुलेशन बेचना होता है, तो वो लोग फ्री में हमको रिपोर्ट निकाल के दे सकते हैं कि हमारी मशीनों में, मान लीजिए पुराना बॉयलर है, अगर उसको रिप्लेस करना है तो नया बॉयलर खरीदने के लिए वो आपको बताएगा कि इसकी एफिशिएंसी 50% है और नए बॉयलर की एफिशिएंसी 75% है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नया बॉयलर खरीदने से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो कई बार मशीनों का ऑडिट भी फ्री सप्लायर आपको करके दे सकते हैं। कई कंपनीज है, SKF वगैरह, जो बेयरिंग से बिजली बचा सकती है, तो ऐसी कंपनीज को हम बुला के अपने बेयरिंग्स का, मशीनरी का ऑडिट कर सकते हैं। थर्ड इज मशीनरी। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मैन पावर। मैन पावर का जो ट्रेनिंग है, बिजली कोयला कैसे इस्तेमाल करना है, इसका बहुत बड़ा अपने यहाँ लैकुना है। तो मैन पावर का ट्रेनिंग, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अपने यहाँ पे बहुत निगलेक्टेड डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग अगर किया जाए, जैसे ये किताब है बॉयलर ऑपरेटर्स मैनुअल, ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने लिखी हुई किताब है, ये अंग्रेजी में है, ये मुश्किल से 2% लोगों को इस किताब के बारे में मालूम होगा। तो बॉयलर ऑपरेटर को ट्रेनिंग देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन कई बार क्वालिफाइड बॉयलर इंस्पेक्टर ऑपरेटर होते नहीं है, तो जो मिलते हैं उनसे काम चलाना पड़ता है। इसी तरह कॉम्प्रेसर, इलेक्ट्रिशियंस, इनको सबको ट्रेनिंग देना है। वॉट यू कैनॉट मेजर यू कैनॉट मैनेज, इसलिए आपको मेजरमेंट का तरीका निकालना है कि आज हमने कितनी बिजली माल यूज़ की, कोयला कितना यूज़ किया और उससे हमको कितना उत्पादन मिला, तो इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। छठा जो प्रॉब्लम आता है फ्यूल, एनर्जी में तीन पार्ट होते हैं, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। तो जनरेशन में जैसे बॉयलर की एफिशिएंसी, जनरेशन लॉस। अब जनरेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है फ्यूल, फ्यूल बाहर से आता है, फ्यूल की क्वालिटी चेक करना बड़ा मुश्किल होता है, मॉइस्चर, एश कंटेंट, ये वो, तो उसको चेक करने का तरीका पहले होना चाहिए। इसी तरह बिजली में पावर फैक्टर चेक होना चाहिए, ये चीज़ें प्राइमरी टेस्ट होगी। और फिर बॉयलर में स्केल, कोरोजन, लोडाउन, ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं,
उसको कंट्रोल करने से भी बॉयलर की एफिशिएंसी 10-15% बढ़ सकती है। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन, यानी फैक्ट्री में वायरिंग बोलो या स्टीम पाइपलाइन लो, जहाँ जहाँ जा रही है उसका कितना लॉस है, इसको बोलते हैं डेड लॉस। तो हमारा 20% लॉस तो जनरेशन में ख़त्म हो जाता है, 10% कई बार बॉयलर ऑपरेशन की गलती से ख़त्म हो जाता है, और 10% हमारा ट्रांसमिशन में ख़त्म होता है। उसके बाद जो बचता है 60% वो जाता है मशीन के अंदर। तो उस मशीन में जो अपन एफिशिएंसी निकालेंगे उस मशीन की, उसमें करीब 20-30% कई बार एफिशिएंसी लॉस होता है। तो हमारा एक्चुअल हीट हमको जो मिलती है या पावर हम जो यूज़ करते हैं तो 20-30% नेट लेवल पे यूज़ करते हैं। तो इसका सबका चेकअप होना चाहिए, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड कंजम्पशन, GTC, हम तीनों लेवल पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोसेस। प्रोसेस में भी काफ़ी चेंजेस होते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, एंजाइम्स यूज़ करेंगे, तो कई बार डिसाइजिंग में, स्काउरिंग में, फिनिशिंग में बिजली यूज़ हो सकती है, कम हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए एक्सपर्ट वर्कर्स होने चाहिए या माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने चाहिए, ताकि इसका फ़ायदा हम लोग ले सके। उसके बाद आता है मटेरियल प्रोसेस की एफिशिएंसी, ML रेशोज, फिर जैसे पानी कितना डालेंगे, एक इक्विपमेंट में 1:10 डालेंगे, 1:5 डालेंगे, उससे भी बिजली, कोयला, हीट बचती है। उसके बाद आता है इक्विपमेंट की साइज़ और आपका प्रोसेस का वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए 5 टन का कोई इक्विपमेंट है, हम उसमें 1 टन माल बनाएंगे तो उसका माल ज़्यादा, बिजली ज़्यादा, कोयला ज़्यादा लगेगा। इसलिए हर इक्विपमेंट की साइज़ उसके जॉब के साइज़ के 70-80% पे तो यूज़ होना ही चाहिए। उसके बाद आता है हम लोग कौन सा प्रोसेस है। मान लीजिए हम क्वेश्चन प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम लोग पिगमेंट में जाएंगे तो 20-30% बिजली उसी से कम हो सकती है। तो प्रोसेस चेंजेस भी हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें प्री ट्रीटमेंट से लेकर फिनिशिंग तक काफ़ी बिजली की बचत, कोयले की बचत हो सकती है। इसमें मैंने बहुत सारी बिजली वर्कर्स के सजेशन से, अकाउंटेंट्स के सजेशन से, जो लोग प्रोडक्शन में नहीं थे उनके सजेशन से भी हमारे को बिजली बचाने के आइडियाज़ मिलती है। तो हमें फैक्ट्री में एक सजेशन स्कीम करो, तो शॉप फ्लोर के वर्कर्स को हमने इंसेंटिव दिया, वो तो बहुत सारी आइडियाज़ हमको लाके देते हैं। बाहर के जो हमारे फैक्ट्री में सप्लायर आते हैं वो भी 10 फैक्ट्रियों में घूमते हैं, अगर हमने उनसे सुना तो हमको काफ़ी आइडियाज़ मिलती है। तो सजेशन स्कीम वर्कर्स को इन्वॉल्वमेंट से भी काफ़ी एनर्जी की बचाव हो सकती है। तो ये हमने ज़रूर करना चाहिए कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, उनका कॉमन सेंस को यूज़ करना चाहिए। तो वर्कर्स के अलावा जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, परचेज वाले, फाइनेंस वाले, मार्केटिंग वाले, HR वाले, वो हमारे प्रोडक्शन को तीसरी नज़र से देखते हैं, तो उनकी आइडियाज़ भी हमारे बहुत काम आ सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे कॉमन सेंस। और इसके लिए बहुत सारी एक्सटर्नल एजेंसीज को भी लगाना ज़रूरी है, उससे हमारा समय बहुत बचता है। मैंने एक फैक्ट्री में जब टर्न अराउंड चालू किया था, मैंने 6-7 कंसल्टेंट एक साथ हायर किए थे, जिसकी मुश्किल से फी थी करीब 4-5 लाख रुपए, और मुझे हार्डली 30% एडवांस देना था। उस एडवांस से उन्होंने मेरा एक हफ्ते में 1-1.5 लाख रुपए छोटी छोटी चीज़ें करके, एक पुली चेंज करके मेरा बचा लिया था, और मेरा प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया था उसके बाद। तो कंसल्टेंट्स को हायर करने के लिए भी पैसा बहुत नहीं लगता है। मैंने तो फैक्ट्री में जितना वेस्ट मटेरियल था वो बेच के मैंने पैसा खड़ा किया था, और उससे मैंने सारे कंसल्टेंट्स हायर किए थे, और इससे मेरे को एक फैक्ट्री का 10-15% टर्नओवर बचाने में, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने में फ़ायदा हुआ था। तो मेरे को लगता है कि सभी इंडस्ट्रीज को ये करना चाहिए। मैंने देखा है कि कपड़े में 30-40% तो कपड़े में एक्स्ट्रा केमिकल लगने से वेस्टेज होता है, और 10-20% केमिकल हम लोग किचन में बचा सकते हैं। तो दोनों मिला के 50-60% केमिकल हम बचा सकते हैं, और इसके लिए हमको बहुत छोटी छोटी चीज़ें करनी है। जैसे हम फाइन मेश यूज़ करेंगे, थोड़ी विस्कोसिटी बढ़ा के छापेंगे, तो और इसके कलर कंजम्पशन से दूसरा फायदा ये भी होगा कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, जो हम गिन नहीं सकते उसको हम मैनेज नहीं कर सकते, व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट मैनेज। तो हमको ये सब बिजली, कोयला, इसको गिनने के लिए हम अकाउंटेंट को भी लगा सकते हैं, और वो सारी चीज़ों पे ध्यान रख सकते हैं, और डेली एक जैसे बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री में जिसको बोलते हैं पढ़ता सिस्टम। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम लोग 1 किलो कोयले, 1 किलो कपास पे कितनी हीट लगती है, इसका स्टैंडर्ड नॉर्म फिक्स कर सकते हैं, कितने टन प्रोडक्शन निकाला, और उस प्रोडक्शन के लिंक से हम डेली का कंजम्पशन फिक्स कर सकते हैं, और डेली का वेरियंस निकाल सकते हैं कि हमारा डिविएशन कितना आ रहा है। कि मान लीजिए हमको रोज का 1 टन कोयले पे, 1 टन कपड़े पे मान लीजिए 10 रुपये किलो की पावर फ्यूल लगती है, तो हमारी एक्चुअल 15 आ रही है, 16 आ रही है कि 12 आ रही है, ये डिविएशन हमको रोज़ चेक करते आना चाहिए। इसके आजकल ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम्स आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं,
वो भी लगाए जा सकते हैं और इससे काफी बचत हो सकती है।